Hi everyone, welcome to Abhimanyu IAS. My name is Rohit Garcha and this series is called To The Point. Abhimanyu IAS is a platform which prepares you for your UPSC and various PCS examination journeys. It has more than 23 years of experience in this particular field and has given out more than 2200 selections since 1999. And in this series, jiska naam hai To The Point, hum log current affairs ko identify karte hain aur usse cover karte hain prelim point of view se. Ki wo wale questions aur wo wale topics ko cover kiya jata hai jinke upar sawal directly फॉरवर्ड स्लैश इन डायरेक्टली आपके प्रीलिम के अंदर आ सकता है एंड इफ यू विश टू कवर योर करंट अफेयर्स होलिस्टिकली फॉर प्री एज वेल एज मेन्स ताकि आपका वंस एंड फॉर ऑल करंट अफेयर्स का जो टेंशन है वो दिमाग से उतर जाए दिस कोर्स इज ऑलरेडी गोइंग ऑन इट इज फॉर बोथ प्री एंड मेन एंड इट रन बोथ इन ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन फॉर्मेट प्लस यू गेट 7 days free trial as well. Link is in the description. Check out the quality of class and if you wish, you may join. और आपका current affairs का जो काम है, it will be done. चलिए, आज के topic पर चलते हैं, which is Indian Biological Data Center. देखिए, इस type के topics important इसलिए होते हैं कि यहाँ देखो, देखोगे कि India's first national repository है. तो first worst वाली जो चीजें होती हैं ना, ये थोड़ा सा highlight ज़्यादा होती हैं कि ये if you are reading current affairs, तो जो नया नया कुछ आया first जो भी चीज़ आई first largest biggest इस type की चीज़ें हैं ये exam point of view से बहुत important हो जाता है not only UPSC अगर जितनी आप state PCS भी देना चाहोगे उसके अंदर भी ये जो topics हैं वो आपको important ये चीज़ें हो जाती हैं it is India's first national repository किसके लिए for life science data at कहाँ है ये फरीदाबाद हरियाणा तो एक सेंटर है जिसके अंदर ये रिपोजिटरी जो बनेगी और कहाँ पे आई है फरीदाबाद हरियाणा अब इस टाइप की चीज थी यूपीएससी वैसे तो इसके ऊपर जो है वो नहीं खेलेगा खेला तो आपको पता लग गया है लेकिन स्टेट पीसीएस की थोड़ी टेंडेंसी है वो ओवर द इयर्स देखने को मिली है कि वो इस टाइप की चीज को घुमा देगा कि फरीदाबाद की अगर मेरठ लिख दिया या कोई और सिटी लिख दी जहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी पे बहुत ज्यादा काम हो रहा है ताकि जस्ट टू कन्फ्यूज यू गाइज की कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है तो ये चीज थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है प्रीलिम के पॉइंट ऑफ व्यू से अदरवाइज मेन्स का इसमें कोई काम नहीं है प्रीलिम्स के अंदर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है चलिए आगे देखते हैं कि ये है क्या इसका मैंडेट क्या है ये असल में चीज क्या है इट इज द फर्स्ट नेशनल रिपोजिटरी फॉर लाइफ साइंस डेटा इन इंडिया देख लिया हमने मैंडेट क्या है इसका टू आर्काइव ऑल लाइफ साइंस डेटा जनरेटेड फ्रॉम ऑल लाइफ साइंस डेटा जनरेटेड फ्रॉम पब्लिकली फंडेड रिसर्च इन इंडिया तीन इंफॉर्मेशन है इसके अंदर तीन फैक्ट्स हैं यहाँ पे अगर देखने वाली आंख आपके पास है तो यहाँ पे तीन फैक्ट्स छुपे हुए हैं नेक्स्ट इज द डेटा सेंटर इज सपोर्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जब हम इसको क्लास में करते हैं ना जैसे डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी अगर आया है टॉपिक में तो हम उसके ऊपर एक साइड नोट लिख लेते होते हैं क्लास के अंदर तो इफ यू विश तो आप जरूर वो क्लास ज्वाइन कीजिए तो काफी होलिस्टिकल तैयारी हो जाती है उसमें बिकॉज डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी को आप वैसे कभी स्टडी नहीं करोगे इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर कोर्स बिकॉज तो यहाँ पे हम साइड नोट हालांकि अभी आई विल गिव यू कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी क्या है ना इंडियन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है ये कहाँ पे अंडर मिनिस्ट्री ऑफ S&T साइंस एंड टेक मिनिस्ट्री के अंडर ये डिपार्टमेंट पड़ता है और ये क्या करता है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग डेवलपमेंट एंड कमर्शियलाइजेशन इन द फील्ड ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी इन इंडिया राइट एंड इट वॉज सेटअप इन 1986 तो ये टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन आ जाते होते हैं प्रीलिम्स में एंड लाइक जो दो तीन मार्क्स का जो डिफरेंस होता है वो इस टाइप की चीज से आपके कवर हो सकते हैं अगर आप बॉर्डर लाइन पे हैं तो इट इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड एट रीजनल सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी RCB फरीदाबाद इन द नेशनल कैपिटल रीजन इन कोलैबोरेशन विद नेशनल इंफॉर्मेटिक्स ठीक है फरीदाबाद वाला पॉइंट हमने कवर कर लिया NIC के थ्रू कोलैबोरेशन में ये जो है वो सेंटर एस्टैब्लिश होगा IBDC इज एनविसेज टू इमर्ज एज अ मेजर डेटा रिपोजिटरी फॉर ऑल लाइफ साइंसेज एंड डेटा इमर्जिंग फ्रॉम इंडिया ये भी हमने देख लिया कि यहाँ पे डेटा इमर्जिंग फॉर कहाँ से आ रहा है डेटा इमर्जिंग फ्रॉम इंडिया चलिए आगे देखते हैं इसके फीचर्स क्या हैं द रिपोजिटरी हैज अ डेटा स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ अबाउट 4 petabytes व्हिच इज 1 billion GB तो ये लगभग 10 lakh ओके GB की स्टोरेज कैपेसिटी यहाँ पे आती है एंड हाउसेज फ्रॉम HPC तो इसके अंदर कौन सा ये भी एक प्रीलिम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू आ सकता है कि इसकी जगह आपको कोई और वो जो है नाम लिख के दे देंगे या कुछ ऐसा है यूपीएससी में चांसेस कम है बट
लेट मी रिपीट, नेग्लिजिबल नहीं है, प्रोबेबिलिटी कम है कि यूपीएससी यहाँ खेले, बट नेग्लिजिबल नहीं है, थोड़ा सा टेढ़ा सा कर सकते हैं काम। तो ब्रह्म एचपीसी, एचपीसी इज बेसिकली हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, तो फैसिलिटी होस्ट में हाउस करती है, 4 पेटाबाइट की है। ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आपको डायरेक्टली डेटा नहीं पूछा जाएगा, हाउएवर जस्ट कि है तो वी हैव टू रीड इट। इट ऑल्सो होस्ट एन ऑनलाइन डैशबोर्ड फॉर जीनोमिक सर्वेलेंस डेटा जनरेटेड बाय कौन। अभी ये पीछे जब पेंडेमिक के बाद जो पेपर आया था है ना, उसके बाद ये टॉपिक थोड़ा सा हाईलाइटेड था कि इंसाकॉग क्या चीज़ है, और सवाल इस पे नहीं आया, पर ये इम्पोर्टेंट अभी भी है क्योंकि अगेन इसकी कोलेबोरेशन के अंदर ये हो रहा है ना, उसके सर्वे उसके जनरेटेड डेटा को हम रिपोजिटरी में डालेंगे। क्या चीज़ है इंसाकॉग? इट इज इंडियन सार्स कोव टू जिनोमिक्स कंसोर्टियम। क्या है ये? इज अ मल्टी लैब एजेंसी सेटअप बाय द गवर्नमेंट विद अ व्यू सीक्वेंसिंग एंड एनालाइजिंग द जीनोम डेटा विद रिस्पेक्ट टू सार्स कोव टू वायरस, है ना। तो ये कंसोर्टियम है, ग्रुप है, जो कि एक मल्टी लैब एजेंसी है जो कि आपका सिक्वेंसिंग एंड एनालाइज करता है आपके जीनोम डेटा को विद रिस्पेक्ट टू सार्स कोव टू। इनडायरेक्ट चीज़ है ये, हालांकि उससे रिलेटेड नहीं है, बट क्योंकि ये चीज़ हाईलाइट हुई है, तो इस टाइप की चीज़, जैसा मैं पहले आपको बोल रहा था कि हम क्लास में भी इस टाइप की चीज़ को हम जो है डिस्कस करते हैं, तो यहाँ पे ये मैंने जस्ट फॉर के लिए यहाँ पे। और देखते हैं, IBDC इज कमिटेड टू द स्पिरिट ऑफ डेटा शेयरिंग। देखो ये इनडायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है, इसके ऊपर घुमा फिरा के कुछ कोई टेढ़ी सी स्टेटमेंट अजीब सी इंग्लिश में डाल के पूछा जा सकता है। एज पर फेयर प्रिंसिपल, फेयर प्रिंसिपल क्या होता है? फाइंडेबल, एक्सेसिबल, इंटरऑपरेबल एंड रीयूजेबल, तो इसको बोलते हैं फेयर प्रिंसिपल। IBDC इज बींग डेवलप्ड इन मॉड्यूलर फैशन वेर इन द डिफरेंट सेक्शन वुड टिपिकली डील विद पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ लाइफ साइंस। वे ऑफ वर्किंग बताया हुआ है। देखती कि सवाल क्या इसके ऊपर बन सकता है। एक प्रोबेबल सवाल यहाँ पे आपके सामने आया है, मैं पॉज द वीडियो राइट नाउ एंड अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, आई विल मूव फॉरवर्ड विद द क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर। यहाँ पे अगेन ये इनकरेक्ट वर्ड इंपॉर्टेंट हो गया है, तो जो वीडियोज रेगुलर देखते हैं उनको पता होगा कि इस टाइप के वर्ड्स के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। लाइन में अगर 5-7 करेक्ट आपने पढ़ लिए, अभी तो एक क्वेश्चन आपके सामने आया, हो सकता है आपने फ्लो में इनकरेक्ट ही पढ़ा हो, लेकिन जब हम 4-5 करेक्ट 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 पढ़ते हैं तो इनकरेक्ट को भी हमारा ब्रेन जल्दी जल्दी करने के चक्कर में वो उसको भी करेक्ट पढ़ लेता है। तो ध्यान से देखना है, ईच एंड एवरी क्वेश्चन को रिस्पेक्ट देनी है, टाइम देना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर? इट इज द फर्स्ट नेशनल रिपोजिटरी फॉर लाइफ साइंस डेटा इन इंडिया। It has its headquarters in Mumbai, Maharashtra. It hosts an online dashboard for genomic surveillance data generated by InfraCog Labs. The repository has a data storage capacity of about 4 petabytes and houses the Brahm HPC facility. Right? अब देखिए, आपको ये easy लग रहा होगा question, but असल में ये easy है नहीं है. It falls under the moderate to difficult category. क्योंकि कंफ्यूजिंग है ये चीज, बहुत ज्यादा फैक्चुअल है जो सेकंड वाले पे पूछ लिया है ना, इट्स अ फैक्ट। हालांकि क्योंकि आपसे इनकरेक्ट पूछा है, यू नो दैट इट इज, अभी आपको इजी लग रहा होगा, तो इसका आंसर इज टू, एंड जिसने करेक्ट किया है कांग्रेचुलेशंस, आई होप यू कैन रिकॉल इट इन टाइम। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, दिस वॉज टूडेज टॉपिक। एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं जल्दी। माई नेम इज रोहित गर्चा एंड यू आर वॉचिंग अभिमन्यु IAS।